हेलो बच्चों, नेट पढ़ाई में आपका स्वागत है। और आज मैं आपकी बुक मैरी गोल्ड में से चैप्टर नंबर 2 लेके आई हूँ, जिसका नाम है टीम वर्क। टीम वर्क आप तो जानते ही होंगे बच्चों कि अगर आप कोई मिलजुल के काम करें उसको टीम वर्क कहते हैं। टीम मतलब कोई एक ग्रुप होता है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर काम को आप बहुत सारे लोग मिलके करते हैं। टीम मतलब एक समूह, लोगों का समूह। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये एक पोयम है। लेट्स सिंग एंड डांस। टीम वर्क टीम वर्क, टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। इसमें बोला गया है टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। हम लोग मतलब साथ में काम करने से, समूह में काम करने से हम अपने सपनों के कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। फिर हम जो काम एक साथ मिलकर काम करने में बच्चों जो खुशी आती है वो फिर हमको फील होगा, मतलब तब हमको लगेगा कि हाँ हम मिलजुल के बांटेंगे कि हमने क्या काम किया है। टीम वर्क एवरीवन मतलब जो लोगों ने मिलजुल के काम किया है, संघ में काम किया है, उसकी जो खुशी होती है वो सबको सब में होगी, सबको होगी। जैसे आपके मान लीजिए आप 5-6 लोगों का ग्रुप है, आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, फिर वो प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छा, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हुआ है, आपको प्रेजेस मिले हैं, सबसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली हैं, तारीफ हुई है आपके प्रोजेक्ट की। इसमें पर्टिकुलर एक बंदे की नहीं, इसमें आपके पूरे ग्रुप की तारीफ होगी, तो आपको पर्टिकुलर आपको खुशी नहीं होगी। या आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने किया है, आप ये कहोगे ये हमने किया है, ये हमने मिलके काम किया है, तो ये हमारा टीम वर्क है। आगे पढ़ते हैं। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रो द हूप, बट इफ नो बडी पासिस देन नो बडी शूट ऑल एंड द रियल रेस जस्ट कैंट गो ऑन इफ नो बडी वॉन्ट टू पास द बेटॉन। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि अगर कोई शूट नहीं करेगा, मतलब इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। अगर आप बास्केटबॉल अगर आप खेलते हो तो उसमें कितने सारे लोग होते हैं, एक टीम, दो टीम्स होती हैं, तो दो टीम्स में अगर पार्टनरशिप नहीं होगा, टीम वर्क नहीं होगा, तो आप कैसे खेलोगे? अगर एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा तो आप कैसे खेल पाओगे? तो उसमें यही बोला है, इट फन टू शूट, हमें फेंकने में मज़ा आएगा द बास्केटबॉल थ्रू द होप। वो जो हुप होता है बास्केटबॉल का, जो नेट होता है, उसमें फेंकने में मज़ा आएगा। इफ नो बडी पासिस देन नो बडी शूट, अगर कोई उसको एक दूसरे को पास ही नहीं करेगा, मतलब देगा ही नहीं, तो हम कैसे शूट करेंगे, उसको हुप में कैसे डालेंगे? एंड द रियल रेस जस्ट कांट गो ऑन, और जो प्रतियोगिता है वो रिले रेस, और जो प्रतियोगिता होती है ना, एक रेस होती है रिले रेस, आपको पता ही होगी बच्चों, जिसमें मतलब दो कंपेनियन होते हैं, आगे पीछे एक ही बंदे, मतलब दो पार्ट्स होते हैं, उसी को बोलते हैं रिले रेस। उसमें आप कैसे भाग लोगे अगर आपके उसमें पार्टनरशिप ही नहीं होगी? इफ नो बडी वॉन्ट टू पास द बेटॉन, मतलब एक लॉट टाइप होता है, अगर आप उसको अपने दूसरे पार्टनर को पास नहीं करोगे तब तक वो रेस कंप्लीट नहीं होगी। वी आर द पार्ट दैट मेक अप द होल, हम लोग एक ही चीज़ के पार्ट हैं, मतलब जो कि संपूर्ण करता है। एंड वी हैव गॉट आवर आईज ऑन अ कॉमन गोल। इसमें जो लोग होते हैं, ग्रुप होता है, इनका सबका सामान्य लक्ष्य एक होता है। समटाइम इट कैन बी बिग प्लस वैन यू और मी बिकम आज, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसमें मैं या तुम नहीं, उसमें हम लोग बदल के हम हो जाते हैं। इसमें कोई अपने बारे में या कोई तुम्हारे बारे में नहीं बोलता, इसमें हम सबके बारे में बोला जाता है बच्चों। इसमें टीम वर्क का मतलब यही बताया गया है कि आप मिलजुल के काम करें। तो बच्चों मैं पोयम एक बार फिर से पढ़ रही हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर टीम ड्रीम वर्क। Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. It's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes, then nobody shoots. And already, relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton.
we are the part that make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. Sometime it can be a big plus when you or me become us. ये मतलब एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जब मैं और आप तुम मिलके हम बन जाते हैं. ठीक है बच्चों, ये स्टोरी, ये पोएम यहीं पे ख़त्म होती है. इसके अब एक्सरसाइज को देखा जाता है. न्यू वर्ड्स में बच्चों पहला वर्ड है आपका टीम वर्क, अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ ग्रुप. जैसे मैंने बताया था किसी काम को करने के लिए कुछ लोगों का जो ग्रुप होता है उसमें जो सबका प्रयास होता है उसके ऊपर. हु, अ वुडन और आयरन रिंग ट्रंडलिंग अलोंग अ चाइल्ड. मतलब एक मतलब जाल होता है वो जो बच्चों के चारों ओर होगा. पासेस, मूव ऑनवर्ड्स, ये मतलब आगे को पास करना. मतलब आपने आपको दिया फिर आप अपने फ्रेंड को दोगे, देन फ्रेंड आपका दूसरे फ्रेंड को दोगे, ऐसा. रिले रेस, अ रेस बिटवीन टीम ऑफ विच ईच पर्सन डज अ पार्ट ऑफ द डिस्टेंस. मतलब इसमें आपके दो दो या तीन लोग होंगे जो आपके थोड़ी थोड़ी दूरी पे, पहले आप होंगे, देन उसके आगे आपका एक फ्रेंड होगा, देन उसके आगे आपका एक और फ्रेंड होगा. मतलब ऐसे में दो तीन लोगों में ये होता है. बेटॉन, शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरी इन अ रिले रेस. मैंने बताया था जैसे एक शॉर्ट ट्यूब होता है या एक डंडी होती है, एक रॉड टाइप का होता है जिसको आप फिर आपका फ्रेंड, आप भागते भागते आपके फ्रेंड के पास जाओगे, उनको दोगे, देन वो आगे पास करेगा, ऐसे करके ये रिले रेस होता है. लेट्स रीड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. इफ नोबडी पासिस द बॉल इन द बास्केटबॉल गेम देन यू कांट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. तो पहला क्वेश्चन है, इफ नोबडी पासिस द बॉल इन टू द बास्केटबॉल गेम देन Then you can क्या आएगा बच्चों उसमें, shoot, shoot, shoot. अब फिर आप किसको पास करोगे, ये वाला आंसर इसका होगा. और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन अ रैली रेस इफ नो वन पासिस द बैटन देन अब तब क्या करोगे, देन द रेस इसका आंसर होगा. The race can't go on. मतलब फिर वो रेस आगे नहीं बढ़ेगी. अब है क्वेश्चन नंबर, थिंक एंड राइट. इसमें जैसे बोला गया है द नेम द टीम मेंबर नीडेड फॉर द फॉलोइंग. इसमें आपको जैसे एक आपके लिए कर भी रखा है, टू प्ले क्रिकेट वी नीड. हम लोगों का अगर हम क्रिकेट खेलने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए होता है, हमें बैट्समैन किन किन लोगों की ज़रूरत होती है. बैट्समैन हो गया, बॉलर हो गया, फील्डर हो गया और कोच हो गया. तो अब हमारा आगे है, टू मेक अ फिल्म वी नीड. हमें किन किन लोगों की ज़रूरत होती है, सबसे पहले तो हमें एक कैमरामैन की ज़रूरत होती है. अगर कैमरामैन के अलावा फिल्म शूट कौन करेगा, तो हम पहले लिखेंगे कैमरामैन. CAMERAMAN, कैमरामैन. फिर प्रोड्यूसर, नहीं देन डायरेक्टर, DIRECTOR, producer,
प्रोड्यूसर, और लास्ट में एक्टर, ACTORS, एक्टर्स। मतलब इसमें हम एक एक्टर तो यूज़ नहीं करते, हम बहुत सारे एक्टर्स लगते हैं ना। टू रन अ गुड स्कूल वी नीड, हमें एक अच्छा स्कूल चलाने के लिए कौन कौन चाहिए होता है? टीचर, देन फिर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, फिर लास्ट में स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, फिर है टू रन आर रेस्टोरेंट वी नीड, एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए हम लोगों को किन किन लोगों की जरूरत पड़ती है? शेफ, शेफ, शेफ के बिना रेस्टोरेंट में खाना कौन बनाएगा? देन वेटर, वेटरेस, वेटर्स, देन फाइनेंस मैनेजर। मैनेजर फिर वो कैश को संभालते हैं। वेटर फिर है कंप्लीट द सेट ऑफ राइमिंग वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू, आपके लिए कर रखा है, ये वर्ड्स दिए गए हैं, आपको ये खुद से करना है। प्लस का टीम का बीम, प्लस का बस, डन का आप क्या करेंगे? ग्रन, GRUN, हुप का स्कूप, स्कूप, शूट का रूट, गोल का कोल, और जॉय का शायद। अब है रीड द पोएम फॉर वॉट वॉन्ट ऑफ अ नील, एक कील की जरूरत। फॉर वॉन्ट ऑफ अ नील द शू वॉज लॉस्ट, फॉर वॉन्ट अ शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट, फॉर हॉर्स फॉर वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट, फॉर वॉन्ट ऑफ अ राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट, फॉर वॉन्ट अ बैटल द किंगडम वॉज लॉस्ट, एंड ऑल फॉर द वॉन्ट्स द हॉर्स शू नेल। अब बस एक कील के कारण इसमें आपको बताया गया है कि क्या, देखिए बच्चों कैसे कैसे क्या हुआ। हमारी जो कील है, एक कील की ज़रूरत के कारण जो घोड़े की नाल होती है वो खो गई, और उसमें कील नहीं थी इसलिए वो खो गई। फिर उस नाल के ढूंढने वो जब वो नाल की जरूर वो नाल जब मिला तब घोड़ा ही खो गया, फिर जब घोड़ा मिला देन वो राइडर खो गया, जो घुड़सवार है वो खो गया, फिर जब वो राइडर मिल गया तो बैटल खो गया, मतलब लड़ाई रुक गई, लड़ाई नहीं हुई। फिर जब बैटल हुई तो किंगडम ही नहीं है, मतलब राज्य ही नहीं रहा, राज्य ही खो गया। फिर एंड ऑल फॉर द वॉन्ट्स ऑफ अ हॉर्सशू नेल, और ये सब हमें किस चीज़ के कारण हुआ है? एक तो जो घोड़े की नाल होती है उसके कील के कारण हुआ है, ये सब चीज़ हमको मिली है। ये ट्रेडिशनल राइम है, ये एक लोकगीत है। नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन फॉर द आंसर गिवन इन द स्पीच ऑफ बबल्स, क्या है क्वेश्चन नंबर ए? द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट। अब इसका क्वेश्चन क्यों क्या होगा बच्चों, आप बता सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन होगा बच्चों, हाउ वॉज द किंगडम लॉस्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है
द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ नेल. तो इसमें होगा हाउ वॉज द शू लॉस्ट. द बेटल वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ देयर राइडर. देयर वॉज नो राइडर. जो लड़ाई हम लोग हार गए वो क्यों हार गए? क्योंकि हमारे पास घुड़सवार ही नहीं थे, राइडर ही नहीं थे. तो हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे हाउ वॉज द बैटल लॉस्ट. मतलब हम लोग युद्ध कैसे हार गए. अब आगे हैं. नाउ मेक योर मेक थ्री मोर क्वेश्चंस एंड आंसर फ्रॉम द पोएम टीम वर्क. आपको ये खुद से करना है बच्चों, ये आपको खुद ही पढ़ना है और करना है कि आपको खुद ही क्वेश्चन बनाने हैं. जो टीम वर्क जो आपने पोएम पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस बनाने हैं आपको और उनके आंसर भी खुद ही देने हैं. ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ इनको कीजिएगा और मुझे कमेंट करके इनके आंसर्स ज़रूर बताइएगा कि ये आपने कैसे किया, इनके क्वेश्चंस कैसे किए. अब है पिक्चर कॉम्पोजिशन. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन वन सेंटेंस यूजिंग द वर्ड क्लूज गिवन इन द बॉक्स. ये जो पिक्चर को आपको देखना है और हमको इस क्वेश्चन आंसर्स बताने हैं और क्लूज दिए गए हैं बॉक्स में. हु वॉज लेइंग द ब्रिक. ब्रिक को कौन वो कर रहा है पिक्चर में देखिए. ब्रिक्स कौन लगा रहा है, ईटे कौन लगा रहा है, आप देख सकते हैं ये लेबर. तो इसमें हम लिखेंगे लेबर. लेबर लेबर इज लेइंग द ब्रिक्स. हु इज होल्डिंग द लेडर. लेडर कौन पकड़ा हुआ है, लेडर किसने पकड़ रखा है, जरा देखें हम. तो हम देख सकते हैं ये हेल्पर होगा जो इलेक्ट्रिशियन का है. तो इसमें हम इसका लिख सकते हैं. सोचिए बच्चों. सॉरी बच्चों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. तो इसमें हमारा आएगा मैशॉन. मैशॉन इज लेइंग द ब्रिक्स. तो अब इसमें आएगा हमारा लेबर. सॉरी, हु इज होल्डिंग द लेडर. तो इसमें हमारा आएगा द लेबर इज होल्डिंग द लेडर. हु इज द मैन ऑन द लेडर. वो जो लेडर के ऊपर जो आदमी है वो कौन है, वो क्या कर रहा है, आप इमेज में देख सकते हैं. जो लेडर के ऊपर है वो इलेक्ट्रिशियन है, वो बिजली का बल्ब लगा रहे हैं ना, वो बल्ब लगा रहे, तो वो इलेक्ट्रिशियन है. तो हम इसमें लिखेंगे द इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन इज द मैन ऑन द लेडर. हु इज मेकिंग द डोर. दरवाजा कौन बना रहा है बच्चों, इसमें कारपेंटर आएगा. कारपेंटर मेकिंग द डोर. Who is painting the wall?
पेंटर। पेंटर इज पेंटिंग। पेंटिंग द वॉल। Now make up a story about the picture given the pupil. To write a story showing the importance of teamwork. आपको ये जो ऊपर आपने पिक्चर देखी, अब इसके थ्रू एक स्टोरी बनाइए और जो आप साथ मिलके काम करते हैं उसी के ऊपर ये बेस्ड होंगी और आपको उसमें बताना है कि एक साथ मिलजुल के काम करने से उसके इम्पोर्टेंस का महत्व बताना है। लेट्स टॉक। In a group of five, discuss what you enjoy doing alone and what you like doing in a group. Now prepare a list and showing below. आपको ये बताना है कि आप जब अकेले होते हो तब आपको क्या करना अच्छा लगता है और जब आप ग्रुप के साथ होते हो तब आपको क्या करना अच्छा लगता है। तो ये बच्चों ये आपके लिए है, ये आप खुद कीजिएगा। अब ये दूसरी है। इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटी आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप। कौन कौन सी चीज़ें आप अकेले करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन सी चीज़ें कोई अकेले करता है और कौन कौन सी चीज़ें सब मिलके साथ करते हैं। तो जैसे मदर डिसाइड, आपकी मम्मी तय करती है ना कि क्या खाना बनना आज, तो मदर क्या डिसाइड करती है विच क्या खाना बनेगा आज, आपको उसकी मम्मी आपकी मम्मी डिसाइड मदर डिसाइड What shall be cooked for dinner? आपकी मम्मी तय करती है ना कि रात के खाने में क्या बनेगा। My father decide my pocket money. आपके जो जेब खर्चा होता है, आपका जो साल मंथली जो पॉकेट मनी आपको मिलती है वो आपके पापा डिसाइड करते हैं। I decide, आप क्या डिसाइड करते हो कि कहाँ घूमने जाना है। Where we go for vacations and we decide, आप क्या देख और सब जो मिलजुल के डिसाइड क्या करते हो कि हमको कौन कितने टाइम तक टीवी देखेगा या टेलीविजन देखेगा। ठीक है बच्चों। इन अ ग्रुप माइंड एंड एक्टिविटी पैनिक फेयर मेला मतलब पिकनिक सॉरी पिकनिक फेयर मतलब मेला क्रिकेट मैच इटीसी विच यू एंजॉय। आपको बताना है इन एक्टिविटीज़ में से आप किस में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, पिकनिक में, मेले में, क्रिकेट मैच में। द रेस्ट ऑफ द क्लास शुड गेस द एक्टिविटी एंड से वेदर इट इज़ डन ग्रुप और अलोन। आपको बताना है या आपके ग्रुप को बताना है कि डिस्कस करना है आप लोगों को कि ये किस में किया जाता है, ये ग्रुप में किया जाता है या अकेले किया जाता है। ठीक है बच्चों। फिर आगे लेट्स राइट। ये एक पजल है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें एक आपके लिए कर रखा है और जैसे पहले मैं पढ़ देती हूँ। इन अ पजल फाइंड द वर्ड्स गिवन द कॉलम नोटिस द वर्ड फॉर्म इट बाई ज्वाइनिंग टू वर्ड्स वन इज डन फॉर यू। एक आपके लिए कर रखा है और इसमें जो वर्ड दे रखे हैं उनको आपको पता करना है। फाइंड सम वर्ड सच मोर, आपको ऐसे कुछ और भी पता करने हैं। तो पहले हम लोग क्या है समटाइम हमारे लिए कर रखा है, दूसरा है एवरी वन। एवरी वन हमारे यहाँ पे देख रखा है। देखिए फर्स्ट लाइन से, फर्स्ट लाइन में आप जाएंगे तो आपको ई वी ई आर वाई ओ एन ई मिल जाएगा एवरी वन। देन सेकेंड है आपका बास्केटबॉल। तो बच्चों बास्केटबॉल आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका फर्स्ट लाइन है उसका सेकेंड कॉलम देखिए मतलब जो ए के नीचे देखिए वहां से आपका पूरा लास्ट तक एल तक बास्केटबॉल। फिर है नोबडी। नोबडी आप देखिए बच्चों कहाँ है, ये आपका जो आपने जहाँ पे एवरी वन ख़त्म किया था ई देन एम, एम के नीचे से शुरू होके ये लास्ट वाई तक नोबडी। देन है आपका टीम वर्क। टीम वर्क आपको दिखा होगा बच्चों जहाँ पे आपका ए बी फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन जो है आपका ए से जहाँ आपका जो नीचे थर्ड रो में आपका जो ए आ रहा है उसी में नीचे देखिए एच डी थर्ड लाइन में एच डी टी है वहाँ से टी से शुरू होकर टीम वर्क आर पे आके खत्म हो के पे आके खत्म हो रहा है टीम वर्क। फिर एक है बेटॉन। अब ये आपका बच्चों
देखिए कहाँ है। ये आपका सम सम के नीचे से यहाँ पे आपका पजल खत्म होता है। इसमें आपको और भी कुछ वर्ड्स हैं, वो आपको खुद ही ढूंढ के पता करने हैं। लेट्स राइट अ न्यू पोएम। आपको एक नई पोएम करनी है, ये आपके लिए एक्टिविटी है। आई हैव अ किटी बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई विद आई एम सॉरी आई हैव अ काइट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई विद इट। आई नो अ सॉन्ग बट नीड समवन टू हेयर इट। आई हैव अ बॉल बट नीड समवन टू कैच इट। अब आपको आगे ऐसा आपको वो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपके पास क्या है और आप क्या करना चाहते हो। फन टाइम। मेक अ ग्रुप ऑफ 10 एंड प्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इन क्लास। आपको एक 10 लोगों का ग्रुप बनाना है और आपको एक आपके क्लास के सामने इनमें से कुछ भी प्रेजेंट करना है। जैसे स्किट हो गया, सॉन्ग हो गया मतलब कोई गाना, डांस, पेंटिंग, अ चार्ट फॉर क्लास, मेकिंग पेपर बैग्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। ये आप लोगों को अपने स्कूल के लिए, ये आपकी खुद की एक्टिविटी है। से अलाउड वी समटाइम यूज शॉर्ट फॉर्म्स फॉर्म सम वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल वी यूज आई एंड एम कॉमा अपोस्ट्रोफी कॉमा देन एम फॉर आई हैव एच आई अपोस्ट्रोफी देन एच वी ई हैव एंड देन फुल फॉर्म इज आई एच ए वी ई हैव। दीज आर शॉर्ट एंड वर्ड्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेट। द मार्क इज द एन अपोस्ट्रोफी विच शोज वेयर द लेटर्स लेट लेफ्ट आउट। नाउ रीड ऑल टूगेदर। वी विल देन आप देख ही सकते हो वी अपोस्ट्रोफी डबल एल विल। यू हैव यू देन अपोस्ट्रोफी वी ई हैव। वी आर वी देन अपोस्ट्रोफी आर ई। फिर है कैन नॉट, फिर है कांट। कैन नॉट का कांट बन जाता है। देयर इज देयर्स देयर इज देयर आर दे आर। वी हैव वट हैव। ऐसे ही ये आपके होंगे। राइट द कंस्ट्रक्शंस फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस। हैज़ नॉट का आप कैसे लिखोगे बच्चों। हैज़ नॉट का एच ए एस एन देन अपोस्ट्रोफी एन। ठीक है, हैव नॉट का भी ऐसे ही होगा, हैव अपोस्ट्रोफी टी। ठीक है, डू नॉट डू एन एपोस्ट्रॉफी कॉमा नॉट। ठीक है बच्चों, आर नॉट का ऐसे आपको बस ऊपर ये एपोस्ट्रॉफी का साइन लगा देना है तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। फिर जैसे यहाँ पे है राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको इनके फुल फॉर्म्स बनाने हैं। जैसे इसमें सब में नॉट का है, इन दोनों का पहला नॉट है, वेयर नॉट वेयर फिर नॉट वॉज नॉट फिर शेल शी विल तो शी विल फिर हु इज। ठीक है बच्चों, अब ये है एक स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर। Sometime of sorry, what are some of the things your parents and teachers tell you to do one time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. कभी कभी ऐसा कुछ कभी होता है कि आपके जो माता पिता होते हैं और वो टीचर्स होते हैं कि ये करो वो करो, जैसे कि जल्दी उठो सुबह, अपना होमवर्क कंप्लीट करो और स्कूल के बैग को तैयार करो। What happened you don't when you didn't do as they asked to do you to do। जब क्या होता है वो कुछ करने को कहते हैं और आप उनको नहीं करते। तो आइए हम पढ़ते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। जंगल के बहुत अंदर एक लंबा सा पेड़ था।
इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इसकी जो पत्तियों वाली तना है, मतलब जो इसके जो क्या कहेंगे आप टहनियाँ हैं, वो आपके वैसे एकदम पत्तियों वाले तने एकदम फैले हैं जैसे उसकी मजबूत बाहें। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये जो है ये घर है किस झुंड वाइल्ड गीज के झुंड का, ये घर है। फ्लॉक मतलब झुंड। दे फील सेफ देयर, यहाँ पे ये सुरक्षित महसूस करते हैं। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उनमें से एक जो हंस होता है, ये जो आपको दिख रहे हैं हंस, जैसे ये वाले, ये इनमें सबसे बूढ़े और सबसे समझदार हैं। सबसे बुद्धिमान और सबसे बूढ़े हैं। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपी एट द फुट ऑफ द ट्री। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। वो कुछ नोटिस करते हैं, एक छोटा सा क्रीपर मतलब एक छोटा सा जाल वो महसूस करते हैं, उनको दिखता है वो, और वो सबको बताते हैं इसके बारे में। डू यू सी द क्रीपर, ही सेड देम। उन्होंने कहा कि आपने उन क्रीपर्स को देखा। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, इनको तहस नहस, ये हमको तहस नहस कर सकते हैं। वी डिस्ट्रॉय इट, हमको इनको बर्बाद मतलब इनको नष्ट कर देना चाहिए। मतलब ये क्यों हम इनको नष्ट करें। लेट्स अस डिस्ट्रॉय इट, इनको चाहो चलो इनको डिस्ट्रॉय कर दे, इनको नष्ट कर दे। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हम इनको क्यों नष्ट करें। आस्क द गीज, गीज इन सरप्राइज, आश्चर्य से जो बतख होती हैं, जो ये जो आपने देखे हंस होते हैं, ये पूछते हैं। इट इज सो स्मॉल, ये बहुत छोटे हैं। व्हाट हार्म कैन इट डू, ये क्या कर सकते हैं, ये हमको क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। माई फ्रेंड रिप्लाइड द वाइज ओल्ड गी, मेरे मित्र उन्होंने उत्तर दिया, जो बूढ़े समझदार जो बर्ड चिड़िया थी। द लिटिल क्रिपर विल सून ग्रो एज द इट क्रिप्स अप द ट्री एंड इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे ये बड़े हो जाएंगे और ये मजबूत और मोटे होते जाएंगे। वॉट ऑफ दैट आस्क्ड द गीज़, ये क्या है। वॉट हार्म कैन द क्रीपर डू अस, और ये वॉट ऑफ दैट, ये क्या कर सकते हैं और ये हमको क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, गीज ने पूछा। डोंट यू सी, तुम नहीं देख सकते। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, उस भले चिड़िया ने बोला तुम नहीं देख सकती। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर्स दे इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन क्लाइम द ट्रीज। मतलब ये क्रीपर्स मतलब बच्चों, ये एक वो जाल होते हैं, मतलब बेल होगी, बेल की मदद से कोई भी इस पेड़ पे चढ़ सकता है। अ हंटर कैन कम अप एंड किल ऑल ऑफ अस, एक शिकारी ऊपर आ सकता है और हम लोगों को मार सकता है। देखा बच्चों, ये देखो बेल ऊपर बढ़ गई है। वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। पिटी मतलब जल्दी, ये अभी जो इसके लिए हमें कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, ये अभी बहुत छोटा है। इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट, ये अभी बहुत छोटा है इसको नष्ट करने के लिए। डिस्ट्रॉय द क्रीपर विल बी वाइल इट्स स्टिल यंग, हम इसको तब नष्ट करेंगे जब भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। द ओल्ड बर्ड एडवाइज, जो बूढ़े चिड़िया थी उसने सलाह दी। नाउ इट इज स्टैंडर्ड एंड यू कैन कट इट इजली, अभी ये बहुत नर्म है, आप इसको आसानी से काट सकते हैं। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट एबल टू कट इट, बाद में ये बहुत सख्त हो जाएगा और आप इसको नहीं काट पाओगे। वी विल सी, हम देखेंगे हम देखेंगे। आंसर द बर्ड, चिड़ियाओं ने उत्तर दिया। बट दे डिडंट, सॉरी डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, फिर उन लोगों ने उसकी बात को
अनसुना करते हुए उसको नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, उन्होंने उसकी बात को उन्होंने भुला दिया, उस जो भली चिड़िया की बात को उन्होंने भुला दिया। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगन विंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और जैसे जैसे वो ये देख रहे हो आप, ये जो लता है ये बढ़ती गई और वाइंडिंग मतलब पेड़ को चारों तरफ से घेरती गई, पेड़ के चारों ओर लपेटते हुए गई। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम अंटिल इट वॉज अ लॉन्ग थिक रोप, ये इतनी मजबूत हो गई जैसे कि एक मजबूत रस्सी, मोटी रस्सी। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, एक दिन एक सुबह जब गीज जो बतखें थी वो अपना खाना ढूंढने के लिए बाहर गई थी, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जंगल आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव्ड, अच्छा यही वो जगह है जहाँ पे ये जंगली बतखें रहती हैं, ये गीज रहती हैं। ही सेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहते हुए कहा, बोला, When they come back in the evening, I shall catch them. जब वो शाम को वापस आएंगी तब मैं उनको पकड़ लूंगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. जो शिकारी था वो उस बेल की सहायता से ऊपर चढ़ गया। He got to the top and spread his net. देयर, उसने क्या किया, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने वहाँ पे अपना जाल फैला दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, फिर वो नीचे आ गया और वहाँ से चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, शाम के समय जो बत्तखें थी वो वापस आई। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने नेट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करने लगी तो वो उस जाल में फंस गई। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, लेकिन उन्होंने बहुत मुश्किल की मतलब कोशिश की उसमें से निकलने की लेकिन वो नहीं निकल पाई। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, मदद करो मदद करो, वो जो बत्तखें थी उन्होंने बोला। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम लोग शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह व्हाट शैल वी डू, ओह अब हम क्या करें। डोंट मेक अ फस नाउ, अब ज़्यादा चिल्लाओ मत या शोर मत बनाओ, घबराओ मत, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, उस बूढ़ी समझदार चिड़िया ने कहा। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने बहुत समय पहले तुमको कहा था कि उस बेल को नष्ट कर दो। बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं किया। नाउ सी वॉट हैज हैपेंड, अब देखो ये क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, अगली सुबह कल सुबह शिकारी वापस आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स, चिड़िया रोती हुई बोली, हम लोग मूर्ख हैं। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने आपकी बात नहीं मानी, हमें क्षमा कर दीजिए। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, अब हमें बताइए कि हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड, उस समझदार चिड़िया ने कहा, अब ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट हैव प्रिटेंड यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब वो शिकारी वापस आए तो आपको ऐसा दिखाना है कि तुम सब मर चुके हैं। जस्ट लाई स्टिल, जैसे आप लोग लेटे हो वैसे ही लेटे रहना, बिना हिले डुले। द हंटर विल नॉट वॉन्ट टू डेड बर्ड्स, जो शिकारी होगा उसको नहीं मरी हुई चिड़ियाएँ नहीं चाहिए होगी। ही विल थ्रो अस ऑन द ग्राउंड, वो हमको ज़मीन पर फेंक देगा। It will then be easy from him to climb down. ये उसके लिए आसान होगा कि वो नीचे आ जाए। But collect the birds and take them home. उसके लिए आसान होगा कि वो नीचे से सारी चिड़ियाओं को उठा के ले जाए अपने घर। When the last of us has
being thrown down, we must quickly get up and flew away. हम में से जो सबसे लास्ट में फेंकेगा तब तक हमको इंतज़ार करना है और फिर हम सबको जल्दी से साथ में उड़ जाना है. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. अगली सुबह वो शिकारी आता है और ट्री पेड़ पे चढ़ जाता है. He looked at the geese in the net. वो अपने नेट में उन सारी चिड़ियों को देखता है. They all are dead. वो सभी मर चुकी थी. He muttered to himself. वो अपने आप मन में बुदबुदाया. He threw them out of the net one by one. वो एक एक करके उन सारी चिड़ियों को अपने उसमें से जाल में से फेंकता रहा. The birds lay still until the last one had been thrown down. चिड़ियाएं तब तक लेटी रही जब तक कि उनमें से जो आखिरी था उसको ना फेंका गया हो. Then all at once they got up and flipped their wings and they flew away. वो लास्ट में सभी चिड़ियाएं एक साथ उड़ी. उन्होंने अपने पंख फैलाए और वो एक साथ दूर उड़ गई. The hunter was taken by surprise. जो शिकारी था वो चौंक गया. From the top of the tree he watched all the geese flew away. जो शिकारी था वो पेड़ के ऊपर से ही ये सब देख रहा था, चौंकते हुए देख रहा था कि कैसे वो सारी बत्तखें एक साथ उड़ गईं. यहीं पे बच्चों आपकी ये स्टोरी कंप्लीट होती है. ये स्टोरी आपकी पंचतंत्र में से ली गई है और जिन्होंने इस स्टोरी के राइटर है शिव कुमार. गीज अप्रूल फॉर गूज, मतलब ये प्रूलर है गूज का. अ लार्ज वाइड फुटबेड बर्ड्स, एक बड़ी जो चिड़ियाएं होती है उसको हंस कहते हैं. क्रीपर्स अ प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजली अलॉन्ग वॉल्स एंड ऑन अ ट्री. एक जो ऐसी बेल होती हैं जिनको सपोर्ट चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए. विंडिंग गो इन अ सर्कुलर स्पाइरल कोर्स. मटर्ड स्पोकन इन अ लो टोन, मतलब अपने आप में ही बात करना बुदबुदाना. फ्लैप्ड मूविंग विंग्स अप एंड डाउन, अपने पर को ऊपर नीचे फड़फड़ाना. लेट्स रीड. वेयर डिड द गीड्स लीव, वो जो चिड़िया थी वो जो बतके थी वो कहाँ रहती थी. आपको पता होगा इन अ डीप फॉरेस्ट इन अ बिग ट्री. आप आंसर इन अ डीप फॉरेस्ट. व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मतलब उस जो बूढ़ी समझदार चिड़िया ने उन जब उनसे कहा कि इसको डिस्ट्रॉय क्यों किया जाए, मतलब उसने ऐसा क्यों कहा कि इनको डिस्ट्रॉय कर दो, तो आप इसका आंसर लिखेंगे द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज इट बिकेम डेंजर फॉर दैम. आप इसका आंसर बड़े में भी लिख सकते हैं, इट बिकम डेंजर फॉर दैम. ठीक है बच्चों. Why did the geese cry help help? क्यों सारी जो बत्तखें थी वो चिल्ला रही थी help help, मदद मदद के लिए क्यों रो रही थी. क्योंकि बच्चों वो लोग नेट में फंस चुके थे जब उन्होंने बूढ़ी बत्तख की बात नहीं मानी थी, उस बूढ़े बत्तख की बात, और वो जाके उस नेट में फंस चुके थे. द गीज क्राइड हेल्प हेल्प बिकॉज दे ऑल कॉट इन द नेट ऑफ द हंटर, उस शिकारी के जाल में वो जाके फंस गई थी इसलिए वो चिल्ला रही थी हेल्प हेल्प. व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट गीज वर डाइड, उसने मतलब क्या किया उस शिकारी ने जब उसने सोचा कि सारी चिड़ियाएं तो मर गई, उसने उनको घर ले जाने के बारे में सोचा. व्हाई डिड दीज गीज प्रिटेंड टू डाई, मतलब वो जो मरी हुई मतलब वो जो चिड़ियाएं थी वो जो बतके थी उन्होंने मरने का नाटक क्यों किया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो शिकारी उनको मार देता, तो इसीलिए उन्होंने मरने का नाटक किया. डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डोंट डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम. आप ऐसी एक इंसिडेंट के बारे में बताइए जब आप मुश्किल में फंस गए हो जैसा आपसे कहा गया और आपने वो काम नहीं किया समय पे. ठीक है बच्चों, ये आप खुद से करेंगे. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. द ट्री वॉज द हाउस ऑफ द फ्लॉक ऑफ पैरट्स,
क्या वो तोतों का घर था? नहीं, वो तो गूस गीज का घर था। तो इसमें हम फॉल्स लिखेंगे। द वाइज ओल्ड बर्ड वॉन्टेड टू क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। क्या वो बड़ी जो बूढ़ी समझदार जो बतख थी, वो चाहती थी ना कि वो डिस्ट्रॉय क्रीप को, उस बेल को डिस्ट्रॉय किया जाए? ट्रू। द हंटर क्लाइम द ट्री विद द हेल्प ऑफ लेडर। क्या वो जो शिकारी था, उसने सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ा था? फॉल्स। व्हेन कॉच इन द नेट द फुलिश बर्ड बिगिन वीप। जब वो चिड़ियाएं फंस गई थी नेट में, तब वो चिड़िया रोने लग गई थी। हाँ, ट्रू, वो तो रो ही रही थी। द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू स्केप। क्या उस भली चिड़िया ने उनको उड़ने में, भागने में मदद की? ट्रू। लेट्स लिसन। द एंट एंड डव। वन ऑन हिज वे होम एन एंट सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन। ही क्रूल्ड ऑन टू इट वॉल्स टू टेक अ क्लोजर लुक। एक बार एक अपने घर के रास्ते में एक चींटी देखती है एक चमकदार झरने को, फव्वारे को। ही क्राउल्ड वो रेंगती हुई जाती है उसकी दीवारों पे, उसके क्लोजर उसको पास से देखने के लिए। एक चमकदार झरना देखती है, एक फव्वारा देखती है एक चींटी, और उसके पास जाती है। सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। अचानक वो फिसल गई और पानी में गिर गई। ही ग्रिगल्ड एंड पैनिक एंड वेव हिज लेग्स इन द एयर। वो बहुत मुश्किल से घबरा गई और अपने पैरों को पानी के ऊपर आगे ऊपर नीचे करने लगी। हेल्प, आई कांट स्विम। मदद करो, मैं नहीं तैर सकती। ही क्राइड, वो रोई। लकीली जस्ट एट दैट मोमेंट अ फ्रेंडली डव फ्लू बाय। तभी उसकी किस्मत से, उसकी अच्छी किस्मत से, एक डव, एक आप देख ही सकते हो एक चिड़िया होती है ये, वहां से उड़ती हुई गई। सी शॉ दैट द टाइनी एंट वॉज ड्रॉविंग एंड क्विकली फ्लू फ्लू टू नियर बाय अ ट्री। उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी पानी में डूब रही है और फिर वो जल्दी से एक पेड़ के पास गई। शी पुल्ड ऑफ अ लीव एंड लेट इट गाइल डाउन ऑन टू द एंट। उसने एक पेड़ की पत्ती को तोड़ा और उसको उस चींटी के पास नीचे पानी में डाल दिया। हेयर यू आर, यहाँ पे तुम हो। शी स्कूड एंड फ्लू अवे, इसमें तुम आ जाओ, और वो दूर उड़ के चली गई। बच्चों, ये स्टोरी इसी में खत्म होती है। व्हाई डू यू थिंक द डव हेल्प द एंट। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस जो जो चिड़िया थी, डव थी, उसने चींटी की मदद क्यों की? क्योंकि वो अच्छी थी, उसका नेचर अच्छा था। हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन द फाइंडिंग ऑफ अ लीव। हाउ डू यू थिंक, आप कैसे पता लगाओगे ये जो चिड़िया है उसको पत्ती को ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई? Have you ever been a trouble like the ant? Did anyone help you? क्या आपकी किसी ने मदद की? क्या आप भी चींटी की तरह कभी किसी मुसीबत में फंसे हैं? और क्या आपकी किसी ने कभी ऐसे ही मदद की है? Let's talk. Work in a pair. Ask your friend question about all the things he does. Use question words such as where, what, how, who, when, why, and one side you, one is done for you. Anu, I watch TV in the evening. Amit, when do you watch TV? Anu, I play a game. फिर यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछोगे। Where do you play a game? I collect stamp. तुम कहाँ? मैं स्टैम्प कलेक्ट करती हूँ। हाउ मैनी स्टैम्प यू कलेक्ट?
ऐसे ही है, आप ये खुद से कर सकते हैं। आंसर दीज क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ, ये आपके ऊपर है, ये आप पूछ सकते हैं या आप खुद से क्वेश्चन पूछेंगे। वॉट इज योर नेम, आप अपना नाम बताएंगे। वॉट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, बंगाली, जो भी आपको आती हो। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। विच इज योर फेवरेट फूड, आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है। Where did you go yesterday? आप कल कहाँ गए थे। Which country do you belong to? आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। When do you go to sleep? आप कब सोने जाते हो। Why do you drink milk? आप दूध क्यों पीते हो। In a group of five, discuss what you would do if you were caught in a falling situation. Your friend falls in the play field and it is hurt. आपका जो एक दोस्त है वो खेलते हुए जमीन पे गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है, तब आप क्या करोगे। यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर, आप एक आग में फंस जाते हो। यू आर स्टक इन द ट्रैफिक जैम, आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हो। द वर्ड्स इन द क्लाउड्स डिस्क्राइबिंग समथिंग फॉर समवन स्टोरी, नेम द ब्लैंक प्रोवाइड, मेकिंग सेंटेंस ऑन योर विद ओन विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड्स, ये आपके खुद के लिए है। वाइज है, केयरलेस है, थिक एंड स्ट्रांग है, फुलिश है, ये आपको इसमें खुद करना है। इसमें आपको स्टोरी बतानी है और इसमें आपको डिस्क्राइब करना है कि कैसे कैसे सिचुएशन में। ठीक है बच्चों, हेयर आर सम आंसर्स अबाउट द गिवन पिक्चर, यहाँ पे उनके कुछ उत्तर दिए गए हैं। जैसे द कलर द एंट इज ब्लैक, इट लिव्स ऑन लैंड, इट हैज टू लॉन्ग एंटेनास, इट्स क्रूल ऑन द ग्राउंड, इट्स शुगर, ये चीनी खाती है। नाउ फ्रेम द क्वेश्चन फॉर द अबव आंसर, अब इनके लिए आपको क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक, तो हम पूछ सकते हैं व्हाट इज द कलर ऑफ एंट का, वो जो चिड़िया मतलब चींटी का जो कौन सा किस रंग की चींटी है। वेयर द एंट लिव्स, ये वो कहाँ रहती है, वो जमीन पे रहती है। हाउ मैनी एंटीनाज डज एंट हैव, उसके पास कितने एंटीनाज हैं। विच थिंग द एंट ईट, वो क्या खाती है, तो उसमें आप लिख सकते हो इट क्रूल्स ऑन द ग्राउंड, और वो कहाँ चलती है। वेयर डिड द एंट क्रूल्स, मतलब वो कहाँ चलती है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन ऑफ सच, टू एट ऑफ ऑन इन इनटू विद, वन हैज बीन डन फॉर यू, ये एक आपके लिए कर रखा है, ये आप घर से कीजिएगा। और प्लीज इसका मुझे आप आंसर कमेंट में कीजिएगा, जो मैं आपका ये चेक कर सकूँ, ये आपका होमवर्क है। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस। वन डे एज आई वॉकिंग डैश इन द ब्लैंक ऑफ द रिवर, आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग इन डैश द फील्ड, तो इसमें आप क्या लिखेंगे। वन डे एज आई वॉकिंग द डैश द बैंक ऑफ रिवर, आप क्या लिखेंगे। फ्रॉम, आप देख सकते हैं इसमें अराउंड है, अक्रॉस है, विद है, अलॉन्ग है, आफ्टर है, टू है, नेक्स्ट टू है, इन टू है, फ्रॉम है, तो हम इसमें लिखेंगे अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर। आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग अक्रॉस अक्रॉस द फील्ड, ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग, बताओ, वेविंग